खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। वार्ड क्रमांक 78 के रहवासियों का कहना है कि जिन जगहों से बीजेपी के बूथ हार जाते हैं उन जगहों पर बीजेपी काम नहीं कराती। यह बात रहवासी क्षेत्र के हफीज खान किसान कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने बताई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से बीजेपी के बूथ हार जाते हैं, वहीं कांग्रेस के बूथ जीत जाते हैं। जितने भी कांग्रेसी क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पर जानबूझकर बीजेपी ने काम नहीं कराया है। वहीं उन्होंने बताया कि बीजेपी की 15 साल सरकार रहने के बावजूद क्षेत्र के पार्षद केवल एक बार वोट लेने के लिए ही आए थे, तब उन्हें फलों व मिठाइयों से तुलवाया गया था, लेकिन अब रहवासी पार्षद को देखने के लिए भी तरस रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि बीजेपी के लोगों में आपसी घमासान चल रहा है, जिसके चलते महापौर को क्षेत्रवासियों ने अभी तक देखा भी नहीं है। महापौर आलोक शर्मा के लिए मैंने खुद 51,000 रुपये का इनाम रखा है कि वह इस क्षेत्र में आए। मैडम, हमारे क्षेत्र में यहाँ पे विधायक विश्वास सारंग जी हैं, बीजेपी से हैं, और बीजेपी से पार्षद हैं काशी साहू। इन्होंने 15 वर्षों में जिस जगह से इनके बूथ हार जाते हैं उन जगहों पे इनने जानबूझ के कोई काम नहीं कराया है। मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र जो है ना, वहाँ से इनकी बूथ हार जाते हैं और कांग्रेस के बूथ हमेशा जीतते हैं। तो कांग्रेस क्षेत्र जो भी हैं उनमें काम इनने जानबूझ के छोड़ दिया है। ना का यहाँ पे कोई नालियाँ हैं, ना कोई रोड हैं, ना कोई साफ़ सफाइयाँ हैं, ना कोई स्ट्रीट लाइट हैं। इसको लेके जनता में काफ़ी आक्रोश है। और आज कांग्रेस की सरकार आने के बाद हम कांग्रेसियों को और यहाँ के लोगों को काफ़ी एक कांग्रेस से राहत की उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र में बहुत जल्दी रोड नाली सड़क सारे काम होंगे। अभी इसी के लिए रानी साहिबा अमृता सिंह जी आई, उनने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करा, पूरे क्षेत्र की समस्या को जाना। उसके बाद रानी साहिबा जी के आने के बाद फिर उनने भोपाल नगर निगम कमिश्नर जी को भेजा, उनने यहाँ की समस्याओं को जाना देखा। और अब बहुत जल्दी इस नरेला करोत वार्ड 78 में पूरे क्षेत्र में बहुत जल्दी विकास होने को जा रहा है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।